तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ बातचीत करेंगे पावर पिवट के बारे में। पावर पिवट टेबल ये आपका 2013 ऑनवर्ड है आपके सिस्टम में, जो इससे लोअर वर्जन है वो इसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो उससे पहले हम बात करेंगे रिलेशनशिप के बारे में, दोनों रिलेट करते हैं एक दूसरे से। तो पिवट टेबल एंड पावर पिवट टेबल, पिवट टेबल में रिलेशनशिप एंड पावर पिवट टेबल हम कैसे करेंगे, चलिए इसके बारे में हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं डेटा, एक डेटा है हमारे पास, वो डेटा हम पहले आपको शो करते हैं यहाँ पे। तो आपके पास ये डेटा है, देख लीजिए, डेटा है मेरे पास सेल्स का, डेटा है हमारे पास डेट, पीआईडी, सीआईडी एंड क्वांटिटी का। तो इसमें क्या है कि जो प्रोडक्ट का डिटेल है वो हमारे प्रोडक्ट बारे सीट में है, और हमारे पास जो कस्टमर की जो इंफॉर्मेशन है वो कस्टमर बारे सीट पे। तो हर प्रोडक्ट और कस्टमर दोनों को हमने एक यूनिक आईडी दिया हुआ है और यहाँ सिर्फ यूनिक आईडी डाले हुए हैं। अब मुझे पिवट लगाना है, मान लीजिए सिटी वाइज हमें पिवट लगाना है सिटी वाइज, बट क्या है कि इसमें सिटी की इंफॉर्मेशन तो है ही नहीं। तो अगर मैं रिलेशनशिप का इस्तेमाल ना करूं तो मुझे यहाँ पे सिटी का कॉलन ऐड करके वी लुकअप लगाना पड़ेगा और मुझे दूसरे शीट से उसको लुकअप करना पड़ेगा। सो डेटा में हम किसी तरह के चेंजेस को नहीं चाहते, तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको सबसे पहले पिवट इंसर्ट करना होगा। पिवट इंसर्ट करते समय आप यहाँ एड डेटा टू डेटा मॉडल करते, नॉर्मल बता रहा हूँ, पावर पिवट का नहीं, नॉर्मल तरीका बता रहा हूँ, फिर पावर पिवट की तरीका बताऊंगा मैं। उसके बाद फिर वापस जितने भी आपके डेटा है सारे डेटा को इसी तरीके से आप जो है इंसर्ट पिवट टेबल, और यहाँ यहाँ पे सिर्फ यूज दिस वर्कबुक डेटा मॉडल कर दीजिएगा, क्योंकि तो हर बार नया शीट ऐड होता चला जाएगा। एड ओके कर दीजिए और पिवट टेबल। तो हमारे पास तीन पिवट टेबल क्रिएट हो गया, तो मेन पिवट टेबल पे आते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि जो तीनों डेटा है हमारा और तीनों आपस में रिलेट नहीं है, मतलब कि कैसे कौन सा की के जरिए डेटा को लाएगा, तो रिलेशनशिप आपको करना पड़ेगा। यहाँ रिलेशनशिप एक्टिवेट नहीं हुआ है, हमने थोड़ी सी गलती कर दी है, रिलेशनशिप हमारा एक्टिवेट नहीं है। रिलेशनशिप एक्टिवेट तब होगा जब हम पिवट लगाते समय यहां एड दिस डेटा टू डेटा मॉडल करें। उस पर वैसे ही कस्टमर को भी सिलेक्ट करेंगे और पिवट लगाते समय एड दिस डेटा टू डेटा मॉडल कर दीजिए। अब जैसे कि आप मेन पिवट पे आते हैं तो आप आपका यहाँ रिलेशनशिप एक्टिवेट हो गया, इससे पहले एक्टिवेट नहीं था, एक्टिवेट हो गया। अब मैं रिलेशनशिप पे क्लिक करूंगा, न्यू पे क्लिक करूंगा। अब देखिए क्या है, जैसे आपने पहला जो ऐड किया था उसको रेंज समझता है, दूसरे को रेंज वन, तीसरे को रेंज टू, इस तरह से रेंज वाइज चलता है। हमने बोला कि रेंज को, रेंज की जो मान लीजिए पीआईडी है वो रेंज ए वन की पीआईडी के इक्वल है, दोनों के बीच में रिलेशन हो गया। कि वापस हमने यहां पे लिया रेंज इसकी सीआईडी, रेंज टू की सीआईडी के बराबर। अब ये दोनों आपस में लिंक हो चुके हैं, अब इसको क्लोज करते हैं। अब यहां ऑल पे देखिए तीनों टेबल यहां पे आ गया, तो मुझे इसका क्वांटिटी चाहिए रेंज वन से, और रेंज वन का मुझे चाहिए यहां पे नेम, और रेंज टू का चाहिए मुझे सिटी। तो तीनों डेटा की पिवट लग गया सर, सिटी बाय प्रोडक्ट वाइज क्वांटिटी के टोटल। क्वांटिटी आपका सेल्स वाले टाइप में है, आपका प्रोडक्ट का नेम आपको पीआर वाले टाइप में है, और आपके पास
कस्टमर का जो सिटी लोकेशन है वो सिटी वाले टैब में। साथ में अगर स्लाइसर ऐड करना चाहे तो यहाँ तीनों टेबल दिख रहा है स्लाइसर को। तो मैं सिटी का रेंज लेना चाहता हूं। अब यहां पे देखिए मैं इंदर का क्लिक करूंगा तो पूरा रिपोर्ट हमारा इंदर का आएगा। ओके, अब जैसे कि ये तो तीन टेबल थी तो जो ठीक है हम तीन अलग अलग पिवट टेबल लगा ली, लेकिन अगर बात करें कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, 5-10 टेबल हो, उसको आपस में रिलेट करना हो, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है इस तरह से, तो उस केस में क्या करेंगे? उस केस में हम इस्तेमाल करेंगे अपना पावर पिवट टेबल। अब देखिए पावर पिवट का हमारे पास टैब आ रहा है बट आपके सिस्टम में ना आ रहा होगा, तो कैसे आएगा? आपको जाना होगा फाइल मेनू बार में ऑप्शन के ऊपर, फाइल मेनू बार के ऑप्शन के ऊपर जाना है और आपको जाना है एड इंस के अंदर। एड इंस में यहां एक्सेल एड इंस दिखेगा, इसको चेंज कीजिए और सेलेक्ट कीजिए कॉम एड इंस, कॉम एड इंस को सिलेक्ट कीजिए एंड ओके कीजिए। यहां देखिए पावर पिवट टेबल का आपको चेकबॉक्स नहीं होगा, इसे क्लिक करके आप चेकबॉक्स कर दीजिए देन ओके। आपके पास पावर पिवट टेबल का टैब आ जाएगा, उसमें आपको मैनेज वाले फील्ड को खोलना है। मैनेज वाले फील्ड को खोलेंगे तो एक्सेल की तरह ही एक अलग से वर्कशीट आ जाएगा, थोड़ा सा स्लो ऑपरेट करेगा आप देखिएगा। तो जो भी डेटा हमने ऐड करना था यहाँ पे ऑलरेडी एडेड है, दिख रहा है ये डेटा आपका एडेड है। अब आपको क्या करना है कि आपके पास जितने भी डेटा है, सेल्स ऐड हो चुका है, प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया, एड टू डेटा मॉडल। अब यहाँ पे माय डेटा हैज ए हेडर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि इसको रीड करेगा हेडर को। टेबल वन, अब इसको यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, जैसे मैंने रेंज वाले को क्लिक किया और इसको मैंने कर दिया सेल, और टेबल वन को पेस्ट करता हूँ, फिर टेबल वन पे क्लिक किया डबल क्लिक, जैसे सीट नेम चेंज करते हैं उस तरह से, इसका हमने डाल दिया प्रोडक्ट, और फिर वापस हम एक्सेल शीट में जाते हैं और कस्टमर वाले पे आते हैं और कस्टमर को सिलेक्ट करते हैं और पिवट पावर पिवट टेबल में जाते हैं और यहां एड डेटा टू डेटा मॉडल एंड ओके कर दो, एक नई शीट आपको यहां ऐड हो जाएगी। और यहां पे हम करते हैं कस्टमर, ऐसे जितने भी शीट्स होंगे सारे शीट्स को आप वन बाय वन ऐड कर, तो सारे शीट ऐड हो जाए देन आपको यहां डायग्राम व्यू पे जाना है, क्यों? आपस में रिलेशनशिप करने के लिए। तो तीन टेबल है, तो मेरा मेन टेबल कौन सा है? मेरा मेन टेबल सेल्स का है जिससे सबको कनेक्ट करना है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे कि सेल्स टैब में अगर मान लीजिए प्रोडक्ट की पीआईडी को कनेक्ट करने वाले हैं तो सेल्स टैब में सेल्स वाले शीट्स में सेल्स वाले डेटा में जो प्रोडक्ट है वो मल्टीपल टाइम रिपीट हो सकता है, लेकिन प्रोडक्ट वाले में वो सिंगल होना चाहिए। देखिए रिलेशनशिप का पहला नियम यह है कि दो जिस दो टेबल के बीच में रिलेशन हो रहा है उस एक टेबल में डेटा यूनिक होना चाहिए, मतलब कि आईडी यूनिक होना चाहिए। अगर दोनों में डुप्लीकेट हुआ तो रिलेशनशिप नहीं क्रिएट होगी। तो मैंने यहां से पीआईडी को उठाया और इसके पीआईडी के ऊपर सिर्फ ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप करते ही इनके बीच में रिलेशन क्रिएट हो जाएगा और रिलेशन क्रिएट हुआ इसका लाइन भी आपको दिख जाएगा। ऐसे कस्टमर को उठाया और हमने कस्टमर सीआईडी के ऊपर ड्रॉप कर दिया, सीआईडी ड्रॉप हो गया, अब मेरा ड्रॉप हो चुका है। अब इसमें कैलकुलेशन, अभी जो रिलेशनशिप मैंने बताया था उसमें कैलकुलेशन आप नहीं कर सकते बट इसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे डेटा में एमआरपी नहीं है, मैं एमआरपी लाना चाहता हूं, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर मैं अमाउंट टैक्स जीएसटी ऐसी चीजों को भी कैलकुलेट करना चाहता हूं। तो ऊपर में आपके सामने यहां आया है, मैंने दे दिया एमआरपी,
एक नया फील्ड एमआरपी का यहां पे हो गया। अब यहां मुझे फॉर्मूला लगाना है रिलेटेड का, क्योंकि मुझे कॉल करके लाना है ना एमआरपी यहां से प्रोडक्ट से, तो रिलेटेड रिलेटेड में आपको सरल लिस्ट आ जाएगा। तो हमने बोला प्रोडक्ट की एमआरपी, हमने प्रोडक्ट का एमआरपी लिया और एंटर प्रेस कर दिया। यहां देखिए हमारे सामने प्रोडक्ट की एमआरपी आ गई। उसके बाद एक और कॉलम ऐड करना है जिसमें लिखना है अमाउंट। अब मुझे अमाउंट में मल्टीप्लाई करना है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है। तो कैसे करेंगे, इक्वल हम सिलेक्ट करेंगे क्वांटिटी, तो क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई एमआरपी। अब एमआरपी दो है आपका, एक एमआरपी है, एक सेल्स का एमआरपी है, तो हमें सेल्स का एमआरपी लेना है, प्रोडक्ट की एमआरपी नहीं। एंटर प्रेस कीजिए, ये आपका मल्टीप्लाई हो गया। अब मुझे अमाउंट से मान लीजिए जीएसटी कैलकुलेट करना है, जीएसटी और यहां पर स्लो वर्क करता है। यहां पे हमें अमाउंट को टैब से सिलेक्ट किया, मल्टीप्लाई बाय 18%, यहां पे एरर देगा। क्यों? क्योंकि ये परसेंटेज की आइकन को रीड नहीं करता है। हम क्या करें, तो आपको यहां दो चीजें हैं कि एक तो डिवाइड बाय 100 कर दीजिए, या फिर आप डेसिमल में लिख दीजिए 0.18, क्योंकि 1 = 100% होता है। उसके बाद यहां हमने दे दिया टोटल, जिसमें हमें इन सबका सम करना है। ये सारी कैलकुलेशन डेटा में नहीं हो रही है, बैकग्राउंड में हो रही है, समझ गए? डेटा हमारा जैसा है वैसा ही रहेगा, ये सारा बैकग्राउंड में हो रहा है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, हमें करना है अमाउंट प्लस जीएसटी। आ गया, लेकिन मुझे इसको राउंड करना है, डेसिमल में नहीं चाहिए, राउंड फिगर में होना चाहिए। तो इस पे आप एक्सेल वर्कशीट फॉर्मूला, इससे बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो आप लगा सकते हैं। मैं यहां पे राउंड का फॉर्मूला लिया और यहां पे हमने जीरो करेगा। यहाँ पे एक्सेल के मोस्टली फॉर्मूले अप्लाई किए जा सकते हैं, इसके भी खुद के फॉर्मूले, जैसे रिलेटेड का फॉर्मूला हुआ, खुद के फॉर्मूले। जैसे मान लीजिए इस वजह से मुझे मंथ को अलग करना है, मुझे मंथ वाइज को एक करना है, तो मैं ग्रुप नहीं करना चाहता हूं। हमने बताया था मंथ वाइज को ग्रुप करना, तो यहाँ पे आप मंथ का भी फॉर्मूला लगा सकते हो। तो अगर मैंने यहाँ पे इक्वल मंथ का फॉर्मूला दिया, मंथ का फॉर्मूला, देखिए मंथ में भी है, देखिए यहाँ पे एंड ऑफ द मंथ है, ईओ मंथ है, नेक्स्ट मंथ है, इस तरह दिख रहा है आपको ना मंथ रिलेटेड। तो मंथ में अगर मैंने डेट दे दिया, तो एंटर कीजिए, ये आपका 1, 2, 3 फॉर्मेट क्या 1, 2, 3 के फॉर्मेट में आ जाएगा। फिर मुझे मंथ जैन फैब में चाहिए, हमें किसमें चाहिए, जैन फैब। तो यहां पे क्या टेक्स्ट फॉर्मूला वर्क करता है, टेक्स्ट नहीं, टेक्स्ट का फॉर्मूला नहीं है यहां पे, फॉर्मूला टेक्स्ट जैसा फॉर्मूला होता है फॉर्मेट का। जी हाँ, फॉर्मेट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हमने डेट दिया, डेट, और मुझे चाहिए ट्रिपल एम इन्वर्टेड कॉमा में MMM, 3 बार एम कर दिया। यहां देखिए आपके सामने मंथ आ गया, आ गया जैन फैब मार्च की तरह से। अब जब फाइनल कैलकुलेशन हो जाए तो यहां पिवट टेबल का ऑप्शन है, पिवट टेबल पे क्लिक करें और इसको नई वर्कशीट पे या पुराना पे ओके कीजिए, आपके सामने पिवट आ जाएगा। अब मुझे मान लीजिए कि मुझे मंथ वाइज मुझे यहां पे चाहिए टोटल जीएसटी का टोटल, हाँ
और यहाँ अमाउंट। मान लीजिए मुझे मंथ मुझे फिल्टर में चाहिए, फिल्टर में दे सकते, और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मुझे प्रोडक्ट वाइज नहीं कस्टमर वाइज चाहिए, कस्टमर का नेम डाल दिया। अब इसमें स्लाइसर या फिल्टर, फिल्टर भी लगा सकते हैं, स्लाइसर भी लगा सकते हैं। पिवट टेबल पर जाइए, इंसर्ट स्लाइसर, मैं कहता हूँ कि एक आ गया सिटी वाइज, मंथ वाइज और ऑल करते हैं ना, ऑल पे, हाँ ऑल पे देख लीजिए। वैसे प्रोडक्ट में प्रोडक्ट नेम वाइज ओके, स्लाइसर आपके सामने आ गया। तो तीन डिफरेंट डिफरेंट डेटा से ये आपका यूज हो रहा है, समझ में आया सर आप लोगों को कि नहीं सर? समझ गया जी। तो अब तो ये है कि आपका सेल्स हो गया, आपका प्रोडक्ट हो गया, कस्टमर हो गया, ये आपके एक ही शीट में था, एक ही फाइल में था, यू कैन यूज इट। अगर मान लीजिए एक डिफरेंट डिफरेंट फाइल में हुआ तो क्या करेंगे, क्या मुझे इसको डिफरेंट डिफरेंट फाइल हमारा है उस केस में क्या करेंगे? तो वहां पे भी आप पावर पिवट टेबल इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? पावर पिवट के मैनेज में जाएंगे, इसका मैनेज आपका खुल के आ जाएगा। यहाँ पे यहाँ दिख रहा है ना आपको फॉर्म डेटाबेस, फॉर्म एसक्यूएल, फॉर्म एक्सेस, फॉर्म वगैरह, यहाँ से आप ले सकते हैं। यहाँ पे फॉर्म डेटा सोर्सेज में डेटा फीड हो गया या फॉर्म अदर सोर्सेज है, वहां से आप लेके आ सकते हैं। ये सोर्सेज है आपको, एक्सेल फाइल दिख गया आपको, एंड नेक्स्ट आप यहाँ से अपनी फाइल को सिलेक्ट कर लीजिए, जो फाइल आपका है। जैसे मैंने मान लीजिए डॉक्यूमेंट पे ही जाता हूँ, पावर पिवट टेबल को सिलेक्ट किया एंड ओपन, नेक्स्ट। अभी से शीट्स आ गए, तो मुझे चाहिए इसमें से सेल्स का शीट एंड फिनिश एंड क्लोज। आ गया सर? हेलो। ऐसे वापस अदर सोर्सेज, नेक्स्ट अनदर फाइल, यहाँ पे आइए एक्सेल फाइल को सिलेक्ट कीजिए, टेक्स्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी एक्सटर्नल पिवट टेबल यहाँ से ऑपरेट की जा सकती है। आप देख ही रहे ना कि एसक्यूएल सर्वर से, एसक्यूएल एजुरे से, एनएसएस प्लेटफॉर्म से, एक्सेल से, ऑरेकल से, और भी बहुत सारे आपको डेटाबेस, आईबीएम का डेटाबेस है, इन डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं। एक्सेल है, टेक्स्ट है, ठीक है। तो हम डेटा शीट, डेटा शीट से भी ले सकते हैं, अपना डेटा शीट का यूआरएल डालिए, यहाँ से डेटा शीट भी ले सकते हैं। ये आपकी वेबसाइट तो है ही सिंपल, तो डायरेक्ट डेटा वहां से भी इंपोर्ट कर सकते हैं, फाइल से भी कर सकते हैं। तो तीन अगर डिफरेंट डिफरेंट फाइल है उसमें वी लुकअप ना लगा के आप पावर पिवट यूज कर सकते हैं, राइट सर? यस सर। इसमें और भी चीजें हम आगे आगे बात करेंगे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं, इसको हम हटा देते हैं। अभी बात कर रहे हैं कि मेरे पास डेटा आपको साथ दिख रहा है, डी वन, डी टू, डी थ्री, डी फोर डेटा आपको दिख रहा है। तो अभी इसमें क्या है कि मेरा जो डेटा है वो तीन अलग, जो डेटा हमारा है वो अलग अलग शीट में है, राइट सर? और मुझे इनका पिवट निकालना है, मुझे इनका पिवट लगाना है। बट प्रॉब्लम क्या है कि मुझे पहले इनको कुलेट करना पड़ेगा, मतलब एक के नीचे मुझे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। बात समझे सर? तो एक के नीचे कॉपी पेस्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है कि मैं मैनुअल नहीं करना चाहता, ये तो अलग एक सिस्टम में बट ये अलग फाइल पे भी हो सकता है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं पावर क्यूब। जी हाँ, पावर क्यूब। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे यूज करना है। डेटा मेनू बार में जाना है आपको और यहाँ फ्रॉम वर्कबुक को सेलेक्ट करना है। भी देख लीजिए, इस पर डिटेल में हम आगे क्लासेस में पढ़ाएंगे, बट अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं।
एम पिवट को लिया, इंपोर्ट किया। इसे मुझे चारों शीट चाहिए ना, तो यहां पे चारों शीट आ गए। यहां पे मल्टीपल सिलेक्ट आइटम को सिलेक्ट कीजिए, शीट वन चाहिए, शीट टू, शीट थ्री, इस तरह से चेकबॉक्स से क्लिक करते जाइए। क्लिक कर लिया, चारों शीट क्लिक हो गया, यहां पे उसका प्रीव्यू आपको दिख जाएगा। अभी आपको लोड पे क्लिक नहीं करना है, लोड पे क्लिक करेंगे चारों शीट एज ए डेटा आ जाएगा। मुझे लोड टू पे करना है, लोड टू। तो मुझे इनका डेटा नहीं चाहिए, मुझे इसकी कनेक्शन चाहिए। तो यहां पे देखिए, ओनली क्रिएट कनेक्शन एंड ओके कर दिया। थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप इंतजार कीजिए। यहां पे सारा डेटा यहां कैलकुलेट हो रहा है, कैलकुलेट हो गया। अब आपको यहां कंबाइन क्यूरी पे आता है, अपेंड क्यूरी, मर्ज क्यूरी तो रिलेशनशिप हो गया जो मैंने अभी बताया आपको, मैंने पावर पिवट में वही सेम चीज यहां भी है। अपेंड क्यूरी पे आते हैं, तो अपेंड क्यूरी में मुझे ना डी वन एंड डी टू को पहले मर्ज करें। एक बार यहां पे होता है, यहां पे थ्री टेबल आपने सेलेक्ट कर लिया, हमें डी वन को ऊपर रखना है, फिर नीचे D2 को करना है, फिर यहां पे D3 को करना है, और यहां पे D4 को करना है। ओके, एंड ओके कर दिया, ये आपके क्वेरी एडिटर में चला जाएगा। और यहां पे पूरा डेटा कंबाइन हो गया पूरा डेटा कंबाइन। अब यहां पे लोड एंड लोड टू पे, तो यहां पे क्लोज एंड लोड मत कीजिए, वरना क्या होगा, जो डेटा ना डेटा ही आ जाएगा, बट मुझे तो पिवट टेबल क्रिएट करनी है ना, तो क्लोज एंड लोड टू पे क्लिक करना है। और यहां पे हम कर देंगे पिवट टेबल रिपोर्ट एंड ओके। पर प्रॉब्लम यह है कि ये जो फीचर है, ये आपको ऑफिस 2016, 19 एंड 365 में ही मिलेगा, ये आपको 2013 पे उससे लोअर वर्जन पे नहीं मिलेगा। तो अगर उससे लोअर वर्जन पे करना हो तो कैसे करेंगे, तो ये हम अभी सस्पेंस रखते हैं, ये आपको आगे की क्लासेस में जब हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी के बारे में वहां पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके लिए आपको सिक्वल की जरूरत पड़ेगी। तो फिलहाल रहने देते, तो आज जो है हमने आपका पिवट टेबल फिनिश कर दिया, पिवट टेबल आपका खत्म हो चुका है। ठीक है, तो पिवट टेबल में हमने शुरुआती में समरी क्रिएट करना सीखा, हमने पिवट टेबल में ग्रुपिंग, शॉर्टिंग, मूविंग जैसे पार्ट को सीखा, हमने इसमें सीखा कैलकुलेशन, हाउ कैन कैलकुलेट द पिवट टेबल, हमने सीखा आपके साथ इसमें एक्सटर्नल डेटा सोर्स को कैसे यूज करेंगे, हमने सीखा फ्लाई शर्ट, हमने सीखा रिलेशनशिप की मल्टीपल डेटा को कैसे हम रिलेट करके से वी लुकअप टाइप का कैसे यूज करें, और हमने फाइनली सीखा पावर पिवट टेबल, और पावर क्यूरी के जरिए हम कैसे मल्टीपल डेटा को लेके हम पिवट में इस्तेमाल कर सकते हैं इसके बारे में जाना। तो अगली जो हमने पिछली 5-7 क्लासेस हमने जो पिवट कर ली उसने आपको हम डिटेल के साथ पढ़ाया। फिर भी अगर आप लोगों को ऐसा लगा कि कोई पार्ट मिसिंग है, तो कल का दिन मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए देता हूं, कल आप बैठ के आराम से प्रैक्टिस कीजिए, और जो टॉपिक मिसिंग है या आपको दोबारा से पढ़ना है उस टॉपिक को एक लिस्ट बनाइए और आप लोग मुझे मेल कीजिए, हम आपको जो है अगली क्लास में वो आपको बता देंगे। ठीक है, फिर हम बात करेंगे अगले टॉपिक की, तो हमारा फंक्शन जो है नेक्स्ट टॉपिक है, फंक्शन की तरफ चलेंगे। ओके सर, ओके सर, ओके, ग्रेट। तो आप लोग पहले चले, क्योंकि पिवट टेबल इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमने पहले डे बताया था कि हम अपने ऑफिस का 60-80% रिपोर्ट पिवट टेबल में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बना सकते हैं। सो पिवट टेबल को मेरे हिसाब से जितना आपको सीखना चाहिए सब कुछ सिखा दिया हूं, फिर भी कुछ मिसिंग रह जाती है, कुछ कसर रह जाती है, तो
तो उसके लिए मैं दोबारा सिखाने को तैयार हूं, बट आप अपने तरफ से एक बार एनालाइज कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में। ओके बाय, गुड नाइट। थैंक यू।